खबर लेके हाजिर हाँ। पंजाब दा मंडी बोर्ड डिफाल्टर हो चुकिया है। कर्ज ना मोड़न की सूरत विच बहुत वड्डी भूमिका निभाने वाले पंजाब मंडी बोर्ड नूं डिफाल्टर घोषित किया गया। 600 करोड़ रुपए के बैंक लोन वापस ना करन दी सूरत विच डिफाल्टर घोषित कर दिता गया है। पंजाब दा सब तो वड्डा बोर्ड मंडी बोर्ड, जिसका काम बहुत वड्डा सी मंडियां दी मेंटेनेंस करना, मंडियां दे होर कम्मां नूं लैके तमाम तरह की जिहड़ी रूपरेखा तैयार करना, पेंडू विकास फंड RDF जारी ना होने करके लोन की किश्त मोड़ी नहीं गई। पंजाब सरकार का पंजाब मंडी बोर्ड डिफाल्टर हो चुकिया है। पिछली बार पंजाब मंडी बोर्ड ने पंजाब की सरकार तो 300 करोड़ रुपए लैके कर्ज मोड़िया सी। पैसों की घाट करके मंडिया के विकास कार्य करवाने के लिए मुश्किल का सामना करना पै सकता है। जेकर पंजाब का मंडी बोर्ड डिफाल्टर है, डिफाल्टर डिकलेयर किया गया है, तो सरकार को हुण तक की कुछ ऑप्शन है? मनोज जोशी इस खबर से जानकारी दी सांझ पा रहे हैं। मनोज, बहुत वड्डे चैलेंज ने सरकार दे लई, आखिरकार 600 करोड़ की भरपाई कौन करेगा? डिफाल्टर का लग्या दाग धोण का काम कौन करेगा? बिल्कुल गुरप्रीत, जो मंडी बोर्ड सेगा उन्हें 6000 करोड़ रुपए का लोन 2017 में लिया था अलग अलग प्राइवेट बैंकों से। इन्हों लेके जेड़े हर साल इन्होंने 9900 करोड़ रुपए जोड़ा सेगा वापस करना सेगा। अगर ये वापस नहीं करते हैं तो इन्हों हर 3 महीने बाद 300 करोड़ रुपए जोड़ा है ब्याज के तौर पर देना पैना। तो इसलिए हूँ जोड़ा सरकार जो आई थी तो सरकार ने कुछ जोड़े किसानों के पैसे वापस किए थे, कर्जे माफ किए थे, उस कारण सरकार ने कुछ पैसे दिए थे। तो इसके लिए हूँ जो है इन्हों को तकरीबन 600 करोड़ रुपए का जोड़ा है वह मंडी बोर्ड डिफाल्टर हो गया बैंकों का। तो बैंकों ने अगे पैसे देने तो उन्होंने इनकार करता कि जो पहले पैसे हैं वह सू वापस किए जा जे लोन दो दिते ने और उसके बाद अभी थोड़ू होर अगर पैसे देवे, क्योंकि हम 300 करोड़ रुपया पिछली बारी सरकार ने जो अपनी आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी तो इस सरकार ने अपने खाते 300 करोड़ रुपया दिता सगा, 300 करोड़ का बकाया रह गया तो 31 मार्च तो बाद 300 करोड़ रुपये का होर इन्हें कहीं जोड़ा है वह पैसे जोड़े आ ब्याज के वो बन के आ रहे हैं। 600 करोड़ रुपये का होर उस भी ज़्यादा पैसे हो जाने हैं। इसका सीधा असर यह होगा कि यह जे मंडी बोर्ड के नवनियुक्त चेयरमैन ने हरचरण सिंह बलसट, उन्होंने साफ कर दिया कि जी सारी ये प्रॉब्लम आ रही है वह एको एक कारण है कि जो केंद्र सरकार ने रूरल डिवेलपमेंट फंड और मंडी विकास जोड़ा फंड है वो रोकया होया है। उस फंड नाम लगन तकरीबन 3200 करोड़ रुपये का फंड है कि जो भी कोई लोन लिया जाता है वो जो रूरल डिवेलपमेंट फंड आना होंगे जो सरकार को पैसे मिलने तो उसके हिसाब से बैंक सानू लोन देते हैं। तो जो भी लोन सेगा हुण पिछों पैसे नहीं आ रहे हैं, इसलिए जो लोन है उतारना हुण मुश्किल हो रहा है। उन्होंने सरकार को भी केंद्र सरकार को भी यह गल कही है कि केंद्र सरकार को जो पैसे रुके ने रूरल डिवेलपमेंट फंड के या मंडी डिवेलपमेंट बोर्ड के जो पैसे रुके ने वो सारे पैसे सानू दिए जाता कि असं जी है बैंकों के कर्जे भी उतार दिए। जी आम वाले सीजन की जी हूँ कणक की जी है वो मंडियां जा रही है तो कणक में लेकर भी जे होर विकास कार्य किए जाने मंडी में सारा डिवेल इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलप किया जाता है, जो उसे जिम्मेदार आएंगे उन्होंने वास्ते व्यवस्था की जाती है, मंडिया के फंड बनाए जाते हैं और सारी व्यवस्था अभी करने में कर सकी। अगर पैसे नहीं मिलते हैं तो सारा कुछ मंडी जानी है जिन्हें पंजाब की पूरी मंडियां उस मतलब की इस बार परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जो विकास कार्य ने या जो भी होर जिम्मेदार सहूलत मिलनी वो भी मिलने बच्चे सब तो वही गल है कि 600 करोड़ का डिफाल्टर मंडी बोर्ड होया है तो हूँ भरपाई पंजाब सरकार करेगी? बिल्कुल, जो भरपाई पहले भी 300 करोड़ रुपया पिछली बार भी जी 300 करोड़ रुपया जो पंजाब सरकार ने दिता सगा तो हूँ 300 करोड़ रुपया होर पे जो मार्च होर आ जाएगा। पर हूँ जी सरकार ने ही करना है, सरकार केंद्र सरकार के उपर प्रैशर बनाएगी तो सू जो 3200 करोड़ रुपया रोकया वा फंड रूरल, पर दाग तो बहुत वाला लगे ना डिफाल्टर पुणे का। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी गल है जी, ये मंडी बोर्ड पैसे ना दे सके तो ना देने कारण अगे डिफाल्टर होने के नाल किसी की यही गल है कि जो डिफाल्टर तो हो गया पर अगली व्यवस्था भी खराब हो रही है जी मंडी जो सीजन की कणक आई उसे भी परेशानी का सामना करना पड़ा जो बैंकों को पैसे ना मिले तो, क्योंकि बैंकों को पैसे मिलने तो बाद ही मंडिया लगाए जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होंगे, अगर नहीं मिलेंगे तो अगर उन्होंने और परेशानी काफ़ी जमीनी स्तर से भी देखने को मिलेगी। इसको देखते हुए ही हूँ जी केंद्र के उपर यह मतलब कि सरकार भी प्रैशर बढ़ा रही है, बार बार मंत्री मिले जा रहे हैं, अब गृहमंत्री मिलने जा रहे हैं तो हो सकता उत्थे भी जो मसला है 3200 करोड़ का उठाया जाए कि सारा जो रूरल डिवेलपमेंट फंड है वो किया जाए ताकि असं पंजाब किसानों को होर वो सहूलत दे सके और जो करजे ने और अभी वो भी वह माफ कर सके और जो पिंड की सड़क बनाइया आदि काम वो भी असं कर सकते जी। किशन ठीक है, बहुत शुक्रिया मनोज साढ़े जुड़न वास्ते।